तो यहाँ पे गुड इवनिंग हो चुकी है। शाम के मुझे बज रहा था, 3-4 बज रहा था जब हमारा ये काम स्टार्ट हुआ। अभी वही ब्लैक ही साड़ी में, क्योंकि उसी दिन का ये ब्लॉग था शाम का। तो मैं यहाँ पे जो हमारी साड़ी, हमें वहाँ से हमारे मायके साड़ियाँ गए थे वहाँ पे शादी ब्याह में, वो चीज़ें मिली थी। तो वो सब ऐसे ही अभी पड़ा हुआ था, क्योंकि शादी के आवाज़ने के बाद से सारी चीज़ ऐसे फैली हुई थी। धीमे धीमे मैं समेट रही हूँ, देख रही हूँ, और मुझे इसमें कौन से सिलाना, क्या पहनना है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी। इसलिए कि ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब वॉइस, मैं आप लोग को बताई थी, बात की थी, लेकिन फैन चला था इस समय, उसमें वॉइस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। चलिए, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। समय शाम के बजे हैं 6:15 और अभी धूप काफ़ी है। आज मैं आई हूँ छत पे बहुत दिन बाद, और सूर्यदेव का यहाँ मैं छत पे पहुँचे, मुझे नज़ारे इतने अच्छे लगे कि आप लोग के साथ शेयर साड़ी है। तो ये कलर मुझे हद से ज़्यादा पसंद है, बट इसका मैं ब्लाउज अभी बनवाऊँगी। इसको सोचिए, इसका ब्लाउज का काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, इसके ये कपड़े ना काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे हैं। तो इसका तो मुझे बनवाना, अभी ब्लाउज अभी बनवाऊँगी, इसका भी देखती हूँ। और ये सब है तो अभी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 2-4 साड़ा तुरंत में ही। और जो ये डार्क कलर है, ये तो हल्का है थोड़ा सा ऊपर साइड में, बट ये जो है डार्क कलर जो ग्रे में आता है, ये हमें हद से ज़्यादा, ग्रे कलर मुझे पसंद है, मैं बता रही हूँ ये चीज़ें। तो स्लेटी कलर है तो, और इस साइड में देखिए हल्का ना शेड थोड़ा सा डार्क है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, ये साड़ी, ये सब साड़ी भी मैं पैक कर देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके साड़ी सब रख रही थी। ये संडे का शाम का ही हमारी रूटीन है, रूटीन डेली का तो नहीं, ये कभी काल संडे में ऐसे हो जाते हैं, जो सब मिलते हैं, जो इधर उधर कपड़े रहते हैं इधर उधर फैले हुए, तो वो सब करती हूँ, क्योंकि सर तो आते नहीं हैं बच्चों के, तो इसलिए थोड़ी सी टाइम वो भी मिल जाती है। तो इस रिकॉर्डिंग में सोचती हूँ चलो ये सब भी काम ऐसे ही निपटा लिया जाए। तो मेरी ऐसी ही बिजी रूटीन रहती है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। इस तरीके से ये वाली साड़ी जो है, ये है बंगाली साड़ी मैं मंगवाई हूँ। तो बंगाली साड़ी हमें इसका एक लुक शेयर करना है आप लोग के साथ। तो देखिए कब तक होता है, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बंगाली जो साड़ी होती है रिकॉर्डिंग पहनने का ना वो अलग अंदाज होता है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, ठीक है, तो मैं इसीलिए इसका एक लुक शेयर जरूर करूँगी बंगाली साड़ी का। देखती हूँ कब तक हो जाता है, तो आप लोग के साथ ज़रूर बने रहें। अभी तो फ़िलहाल ये ऐसे ही इसका ब्लाउज़ वगैरह सब करवा लूँगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी ब्लाउज ग्रीन है इसीलिए, और ग्रीन मेरे पास ऐसे ब्लाउज भी नहीं इस तरीके के कि मैं इसमें कर दूं, तो इसलिए अभी चलिए तो भी ऐसे रख देती हूँ। तो अभी तो मैं सारे रख देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने शाम को ये सब करने के बाद पहुँच गई पापा जी के, इसमें बजे थे 4:30, और यहाँ पे मैं बना रही थी चना आलू का थोड़ा सा लटपटी सी अच्छी सी घुघरी बना रही थी पापा जी के नाश्ता के लिए। तो पापा जी को बना के दे दी, तो मैं सोची चलो यहाँ पे मेरा बन गया। और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ ना, लोहे की कढ़ाई में कर रही हूँ ना, इधर बीच में काफ़ी ज़्यादा सब्जी बना रही हूँ। तो ब्लैक, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से इसी साड़ी में, इस समय शाम के बजे 4:30, और अभी चना मैं बनाई हूँ नाश्ता पापा जी के लिए, तो मैं भी थोड़ा सा कर ले रही हूँ। तो सोची आप लोग के साथ शेयर कर दो, काफ़ी टेस्टी बना है, आप लोग भी खा लीजिए। मैं आधा खा चुकी हूँ, उसके बाद आप क्या कुम करने लगती है। अभी जस्ट आराम करके निकली हूँ, तो चलिए अभी आज कुछ खास थोड़ा सा बनाने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर होगा, देखते हैं क्या है, तो फिर आप लोग भी देखिएगा। बट पहली बार ट्राई, अब आगे क्या होगा रिजल्ट मालूम नहीं, देखते हैं। तो कंटिन्यू ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद आप लोग से खाने वाने के बाद। मोमोज, और यहाँ मोमोज की चटनी। मोमोज क्या खा रही हो, क्यों खा रही हो? मत करा, कल पोछा मारे थे तो इसलिए।
पोछा मारने पर मिला। नहीं बोलो क्यों पोछा मारी, क्यों क्यों कौन बोला था कि मोमोज मिलेगा पोछा मारने पर? पापा। किस जगह मारी? सीढ़ी पे। अच्छा ये सीढ़ी पे मारने का फल है मोमोज चटनी। तो आप लोग सुन भी लिए कि मोमोज किस खुशी में खा रही है, क्या की थी, और इसके वजह से पूरे घर भी खा ले रहा है, क्योंकि ये पोछा पूरे घर में अगर कह दिया जाए कि मोमोज खिलाया जाएगा तो पूरे घर पोछा, और दुकान पे बैठा दे तब तो ये पूरे कालोनी का माल है। कुछ होगा तो चलिए खा लेते हैं पहले मोमोज, से भी खा रहा। तो फिर ये सब खाने के बाद आ गया, ये लेके आ गए मोमोज, तो सभी लोग खा लिए। तो आज संडे का शाम काफ़ी स्पेशल हो गया, और अभी हमें बनाना था और भी स्पेशल चीज़ मैं बता ही रही थी, चलिए अभी दिखा देती हूँ क्या बना रहे थे। ये भी मोमोज खा रहे थे। यहाँ पे मैं 3:30-4 बजे करीब मैं यहाँ करके रख दी थी इसे मिक्स करके, जो पुए का पेस्ट होता है तैयार करके, तो 2 घंटे हो गए उसके बाद। यहाँ देखिए मैं इस तरीके से पुए कैसे खिल जा रहे हैं, काफ़ी नरम नरम, बहुत ही टेस्टी बन गया। तो आज संडे का साथ स्पेशल हो गया, एक इंडियन हाउस वाइफ अपनी फैमिली को किस तरीके से आर्मी लोग का ना फर्स्ट बार मैं ट्राई कर रही हूं कि जगह से उसके दिल तक का रास्ता, बस मुझे लग रहा है बन रहा है, अच्छा बन रहा है, कोशिश अच्छी है, तो लगे रहिए। और मैं कहती हूँ कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो मैं हार नहीं मानती किसी भी चीज़ से। जैसे आप लोग देखिए मेरे यूट्यूब फैमिली भी मुझे कितना ज़्यादा जितना ज़्यादा आप 300 से जितना मैं मेहनत करी उस हिसाब से तो कोई भी प्यार उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी हारती नहीं हूँ, अपने काम कंटिन्यू करती हूँ, ये हमारी। और यहाँ पे मेरा पुआ बन के तैयार, देखिए काफ़ी अच्छा नरम नरम सा पुआ बन चुका है। इसमें जी देखिए पूरा फुला फुला है ऐसा। और मैं वो वाला चाशनी वाला जो होता है वो वाला नहीं बनाई हूँ, इसलिए कि उसमें ज़्यादा चाशनी की दिक्कत होती है, इसे मैं कम अपने अकॉर्डिंग मीठा का कर सकती हूँ, तो पापा भी थोड़ा खा सकते हैं मेरे, क्योंकि शुगर के पेशेंट है, तो इसलिए मैं चाशनी वाली नहीं बनाई हूँ इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे अब मैं शाम को ऊपर आ गई थी, ये पावदान काफ़ी दिनों से विंटर से ही ठंडे से ही ऐसे पड़े हुए थे तो ऊपर ही, तो मैं सोची चलो आज इसका भी हला भला कर ही दें। तो यहाँ पे मैंने इस पे डालने से क्या होता है ना, आप रेलिंग पे डाल के उसके बाद पानी फेंक के धोइए तो आराम से आपको उठाने की भी दिक्कत नहीं होगी, और साफ गिर जाती, पानी भी सारी गिर जाते हैं। यहाँ मैंने पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद फिर मैंने बाथरूम चेक करी थी कैसा है, तो यहाँ सर शाम का टाइम था, तो मैं सोची चलो आज आप लोग का ऊपर की भी नज़ारे दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा व्यू लगता है, और उधर साइड में वो जो है ना वो यहाँ पे कोई जैसे वो होता है मैरिज होम वोम, छोटी पार्टी वोटी आपको इन्जॉय करना हो, इन्जॉय कराना हो या सेलिब्रेट करवाना हो आपके यहाँ जगह, तो इस अकॉर्डिंग वो वाली जगह जो थोड़ी सी ये वाली आपको देखी ना छोटी छोटी घास इधर, तो ये साग सब्जी वगैरह इनकी दूसरी है तो वो लगाते हैं बैठे यहाँ के लिए। तो मैं सोची चलो आप लोग को भी आज ऊपर के नज़ारे से रूबरू करा देती हूँ, यहाँ पे पानी बाल्टी में भर के मैं ले चली हूँ, अब उसे धुलूँगी साफ़ करूँगी उसके बाद उसे साफ, और दीवार पे डाल के धुलने से ना काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है, क्योंकि आपको उठाना भी नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पे मैंने साफ सफाई में लग गई थी, तो इसी अकॉर्डिंग मेरा संडे का पूरा शाम इस तरीके से बीत गया था। ये आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक की हमारी इस तरीके से जनी संडे के स्पेशल ब्लॉग बन गया था, तो स्पेशल ब्लॉग इसी अकॉर्डिंग बन गया था कि खाने का एक पार्ट ही नुआ हो गया कि कई चीज़ें हो गई, बहुत खास बन गया। उसमें देखिए मोमोज था, चने चना था, फिर उसके बाद मालपुआ था, तो कई चीज़ें थी, और बेटी को पोछा मारने को नहीं कहा गया, उसको मोमोज खाने के लिए ना वो कहेगी मैं ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, तो करेंगे अगर उसे मोमोज इतना हद से ज़्यादा भी पसंद है, अगर मैं दुकान पे बैठा के खिला दूँ तो आराम से वो खा लेती है। एक बार मैं लेके गई थी और खिलाई भी थी, दिखाई थी उसे मोमोज, और उससे ज़्यादा उसकी चटनी, उसे जो शेजवान होता वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा पसंद है कि उसे रोक ही नहीं पाती है खाने से। तो
तो यहाँ पे मैंने पावदान वगैरह धुल रही थी, पावदान को धुल के साफ़ कर ले रही थी, इसलिए कि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, काफ़ी डस्ट हो चुका था, तो थोड़ा सा सर्फ लगा के इस तरीके से मैं इसे साफ़ कर रही थी। तो मैं इसी को तो सोची रिकॉर्डिंग इस तरीके से आपको, और नीचे का जो चीज़ है ना, इससे पानी निकलता जा रहा है। अगर मैं ज़मीन पे करके रखती थी इसके पानी नहीं निकलते और हमें उठाना ही पड़ता। और इस रिकॉर्डिंग धुलने से थोड़ा सा सही है, कंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है कि फटाफट हो जा रहा है थोड़ा सा बारी। तो उसके बाद मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए थे, क्योंकि ब्लैक साड़ी जो पहनी थी ना, साड़ी बार बार ऐसे संभालने पड़ते और धुलने में प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैंने इस गाउन को डाल लिए थे कि रात को ऐसे भी करना ही था। शाम 6 बज गया था, तो यहाँ पे मैं 6:15 हो रहा था उसी समय गई थी, तो अपने कपड़े चेंज करके तो मैंने इस तरीके से, और जितना रगड़ती जा रही ना उतना इसमें से बाल निकलते जा रहे हैं, इतने हद से ज़्यादा बाल हो चुके थे कि इसमें एकदम जैसे लग गया था। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।